This is economy part 16. We have to study about the RBI. In this section, we will study about the RBI. That is Reserve Bank of India. हम किसके बारे में पढ़ेंगे इस बार? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. देखो, रिजर्व बैंक के बहुत सारे नाम हैं, पहले वो ही डिस्कस कर लेते हैं. डिफरेंट नेम्स, ऑफिशियल नाम नहीं है बट इनको बोला जाता है. जिसे रिजर्व बैंक को हम बोलते हैं मेन स्टेट. इसके अलावा वी कॉल इट सेंट्रल बैंक. इसको बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है, बैंकर्स बैंक. ठीक है, ये सारे नाम से आरबीआई को जाना जाता है. तो अगर क्वेश्चन है तो प्लीज मार्क कर देना. अच्छा, आरबीआई बना कैसे था, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं. एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो जो आरबीआई बना था ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बरलिन, ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बरलिन कमर्शियल 1914, हिल्टन यंग प्लान और रॉयल कमीशन भी बोलते हैं इसको, रॉयल कमीशन 1926 एंड सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1930. इन सब की रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई को बनाया गया था. कैसे बनाया गया था? इन 1934 आरबीआई एक्ट वॉज पास्ड. आरबीआई एक्ट पास किया गया था उन सारी रिकमेंडेशंस के बाद. आरबीआई को एस्टेब्लिश कब किया गया था? फर्स्ट अप्रैल 1935 को आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड. ठीक है, इसके अलावा नेशनलाइज कब करा गया था आरबीआई को? फर्स्ट जनवरी 1949 आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड. ठीक है, अब फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज ओसबोर्न स्मिथ. ये कब से कब तक रहे? 1935 to 1937. एक इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज सी डी देशमुख. और ये कब से कब तक रहे? ये रहे 1943 to 1949. इसके बाद जो हमारे रघुराम राजन थे, ही वॉज द 23rd आरबीआई गवर्नर. और ये कब से कब तक रहे? रघुराम राजन का जो टेन्योर था वो था 2013 to 2016. प्रेजेंटली जो हमारे गवर्नर है उर्जित पटेल, ही इज आर 24th आरबीआई गवर्नर. और इनका टेन्योर कब से कब तक है? 2016 to 2019. देखो, आरबीआई का जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड होता है किसी भी गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का, वो जनरली 3 years होता है. ठीक है, तो कहीं पे पूछा जाए, यू कैन इजीली आंसर दैट. और जो हमारे करंट है, दैट इज उर्जित पटेल. ठीक है, ये सारे गवर्नर्स की बात होगी. अब यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट आरबीआई हेडक्वार्टर्स. देखो, आरबीआई का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. ये है हमारा मुंबई में, एंड मुंबई लाइज इन महाराष्ट्र.
ठीक है। इसके अलावा हमारी चार जोनल ऑफिस है, फोर जोनल ऑफिसेस, कहाँ कहाँ पर, चेन्नई दिल्ली कोलकाता एंड मुंबई, चार हमारे जोनल ऑफिसेज है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, आरबीआई का इज इन मुंबई महाराष्ट्र। इसके अलावा एक पोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में देखा है, आरबीआई की जो सील है या आरबीआई का जो लोगो है, देखो उसमें क्या है, उसमें हमारे पहले हुआ करते थे लायन एंड पाम ट्री की फ़ोटो, लायन एंड पाम ट्री की फ़ोटो आप गूगल कर सकते हैं, देखना वहाँ पे बहुत अच्छा लोगो है आरबीआई का, उसमें एक लाइन बना हुआ है, उसके पीछे लाइन के पीछे एक पाम ट्री है, लेकिन लाइन को हमने रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर दिया, टाइगर। अच्छा, लायन को टाइगर से रिप्लेस करने का रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल, टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल। तो अभी एट प्रेजेंटली उस लोगों में आपको या उस सील में आपको क्या दिखता है, टाइगर दिखता है और पीछे उसके पाम ट्री दिखता है। प्लीज़ इसको गूगल करके देख लेना तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी आरबीआई के बारे में कुछ। इसके अलावा आरबीआई के मेंबर्स की बात करते हैं, आरबीआई एंड इट्स मेंबर्स। देखो एट प्रेजेंटली आरबीआई में आरबीआई कमेटी में देर आर 21 मेंबर्स। 21 मेंबर्स कैसे, देखो सबसे पहले हमारा होता गवर्नर, एक गवर्नर हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे होते हैं डेप्यूटी गवर्नर्स विच आर इक्वल टू 4। डेप्यूटी गवर्नर्स के बाद हमारे रीजनल हेड ये भी 4। ऑन फोर्थ नंबर देयर आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वी हैव 2। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन होते हैं, दीज आर आर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। फिफ्थ, इसके अलावा वी हैव गॉट डायरेक्टर्स आर टोटल 10 इन नंबर। ये कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये पूछते हैं मेरे से बार बार कि सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम पॉलिटी कवर कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सेक्शन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, सारा पॉलिटी में कवर करना, और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन बहुत ईजिली एग्जाम में मिल जाते हैं और ईजी होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर्स आर बेसिकली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, इसके बाद लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद आरबीआई, अच्छा एक चीज़ यहीं पर देख लेते हैं, दैट इज आरबीआई का ऑफिशियल ईयर की अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपसे, आरबीआई का ऑफिशियल ईयर चलता है 1 जुलाई to 30 जून। अच्छा, आरबीआई, आगे देखते हैं, नोट्स की बात करते हैं, नोट्स नहीं लेट्स से करेंसी की बात करते हैं, इसको काट देते हैं, आरबीआई करेंसीज की बात करते हैं। देखो आरबीआई कैन प्रिंट अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज़ नोट। उसके बाद a 10 rupees note with a picture of Mahatma Gandhi in 1996। जो 10 rupees note पे महात्मा गांधी की पिक्चर थी वो कब प्रिंट करा गया था, इन द ईयर 1996। अब पेपर करेंसी की बात करते हैं, देखो यहाँ पे इशू ऑफ पेपर करेंसी की बात करते हैं, इशू ऑफ पेपर करेंसी, इशू ऑफ पेपर करेंसी की बात करते हैं,
देखो जो 1 रुपये नोट होगा एंड ओल्ड कॉइन्स, 1 रुपये नोट एंड ओल्ड कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, आर इशूड बाय द गवर्नमेंट बट सर्कुलेट कौन करता है? आरबीआई. 1 रुपये नोट एंड ओल्ड कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट बट सर्कुलेटेड बाय आरबीआई. आरबीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे क्वेश्चंस में ये भी चीज पूछी जाती है, दैट इज कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011. देखो जो सिग्नेचर होंगे, जो सिग्नेचर ऑन 1 रुपये नोट, सिग्नेचर ऑन 1 रुपये नोट ये कौन करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी. पर सिग्नेचर ऑन 2 रुपये नोट एंड अबव नोट्स पर, यानी इससे ज्यादा 2 रुपये से ज्यादा के जितने भी नोट हैं उनको, उन पर सिग्नेचर. अच्छा यहाँ पे 1 रुपये नोट पे सिग्नेचर किसके होंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी के होंगे. और 2 रुपये और उससे ज्यादा के जितने भी नोट्स हैं उन पर सिग्नेचर किसके होंगे? आरबीआई गवर्नर के होंगे. प्लस इनको इशू कौन करेगा? एंड आर इशूड बाय, इशूड बाय, ये इशू कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा. ठीक है, अब एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम देखते हैं. देखो व्हाट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम. मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात करते हैं. देखो मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये बोलता है कि आरबीआई को 200 करोड़ अपने पास रखने पड़ेंगे, जिसमें से 115 करोड़ अलग होंगे और 85 करोड़ अलग होंगे. 85 करोड़ कैसे रखने पड़ेंगे? फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी. एंड 115 करोड़ कैसे रखने पड़ेंगे? इन गोल्ड बुलियन रिजर्व, गोल्ड बुलियन रिजर्व में 115 करोड़ एंड 85 करोड़ इन फॉरेन करेंसीज. और कितना रखना पड़ेगा मिनिमम? गवर्नमेंट द आरबीआई हैज टू कीप 200 करोड़ रुपीस. इसके बाद ये हमारा हो गया मिनिमम रिजर्व. आरबीआई को क्या क्या बोलते हैं? आरबीआई को वी से बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट. एंड व्हाट एल्स डू वी से? बैंकर्स बैंक ऑलरेडी डिस्कस्ड, बैंकर्स बैंक बोलते हैं. एंड लैंडर ऑफ लास्ट रिकॉर्ड. इसके अलावा वी ऑल्सो कॉल्ड इट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. एंड लास्टली कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व. ठीक है, ये सारी बातें आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट थी हमें पढ़ना. देन अगेन प्रिंटिंग की बात करते हैं. फॉर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, आरबीआई के प्रिंटिंग की बात करते हैं. फॉर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स लेट्स से, देखो हमने दो कंपनीज बनाई हुई है. वी हैव फॉर्म टू कंपनीज, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट कंपनी इज SPM CIL, दैट इज द सिक्योरिटी. देखो नाम यहाँ से स्टार्ट है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहली कंपनी है. सेकेंड कंपनी इज आर BRBN MPL, भारतीय, भारतीय रिजर्व
बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पहली कंपनी हमारी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी हमारी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, ये जो कम्प्लीटली दिस इज कम्प्लीटली ओन बाय GFI, दैट इज इट इज कम्प्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसकी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है आई टेल यू फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जो हमारा ये सेकेंड वाला है यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस जो है यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है ये भी कहाँ पर है दो जगह है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो टोटल हमारे नोट्स की कितनी प्रिंटिंग प्रेस हो गई चार, दो यहाँ पर इनको देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो जहाँ पे SPMCIL की प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट वन इज इन नासिक एंड नासिक लाइज इन महाराष्ट्र। ठीक है, सेकेंड इज इन देवस लाइज इन MP मध्य प्रदेश। जो BRBN MPL की प्रिंटिंग प्रेस है फर्स्ट वन इज मैसूर, इसका नाम मैसूर हो गया, कर्नाटका। एंड सेकेंड वन इज सलबनी और ये कहाँ पर है इट लाइज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो टोटल हमारी कितने प्रिंटिंग प्रेस है नोट्स की फोर। ओके, अब फॉर मिंटिंग ऑफ कॉइंस हमने वहाँ पे किसकी बात करी थी अभी पहले नोट्स की बात करी थी, अब कॉइन्स की बात करते हैं। कॉइन्स बनाने के लिए जो हमारा SPMCIL है इसके फोर मिंट्स लोकेशन है, यानी जहाँ पर चार जगह पर जहाँ पर सिक्के बनते हैं और ये कौन प्रिंट करता है SPMCIL ही करता है, नोट बनाता है सॉरी प्रिंट नहीं करता नोट बनाता है। फर्स्ट वन इज इन मुंबई obviously महाराष्ट्र, सेकेंड वन इज इन नोएडा दैट लाइज इन उत्तर प्रदेश एंड थर्ड वन इज इन कोलकाता, फोर्थ वन इज इन हैदराबाद। सो गाइज, अभी हमने सिर्फ RBI के बारे में बात करी है, इसके बाद हमें RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़नी है जिसमें हम रेपो रेट SLR वगैरह पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन